किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने इस मौसम में गर्मी का मौसम है और कई सब्ज़ियों की खेती कर रखी होगी इसमें एक भिंडी जो प्रमुख है सब्जी है जिसकी खेती किसान बड़े व्यापक तरीके से करते हैं क्योंकि इस मौसम में उनको काफ़ी फायदा होता है इस मौसम में बहुत से किसान जो भिंडी की खेती है फरवरी के महीने से शुरू करके मार्च के महीने में भी कुछ लगाते हैं और कुछ किसान तो हमने देखा है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक भी भिंडी को लगाते रहते हैं जिससे उनको निरंतर जो है उत्पादन मिलता रहे और उनका मुनाफा अच्छा होता रहे तो इस बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाई आपने जो, जो भिन्न भी भिन्न समय में आपने भिंडी की खेती कर रखी है तो बहुत से किसान बहुत इसका मुनाफा ले चुके होंगे बहुत से ले रहे होंगे और बहुत से किसानों का मुनाफा भी आना बाकी है तो इन किसान भाइयों को मैं विशेषकर बताना चाह चाहता हूँ कि जब गर्मी का मौसम आ गया है तो आपको विशेष तौर से इस समय पानी पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपकी फ़सल में पानी की कमी हो गई तो फूल कम आएंगे और आपके फलों की बढ़वार कम होगी फूलों की संख्या घट जाने से आपका उत्पादन घट जाएगा तो भाइयों इस बात का ध्यान रखो कि आप पानी की आवश्यकता जितनी है चार से पाँच दिन में अगर आपको पानी की आवश्यकता है तो चार से पाँच दिन के अंतराल पे ही पानी अपने खेतों में शाम के समय कोशिश करें जो पाँच छः बजे के बाद जो किसान हैं वो अपने खेतों में पानी दें उससे क्या होगा कि उनको रात भर में के जो हमारी फसल है अच्छे से तरावट आ जाएगी और पौधे अच्छे से फसल का जो पानी है उपयोग कर पाएंगे तो इन बातों को ध्यान रखना है और समय समय पर निरंतर पानी चलाते रहना है इसके अलावा जो किसान भाई इसमें निरंतर जो अगर घास बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो उसको भी खरपतवारों का नियंत्रण करना है आप हावड़े से इत्यादि से उसका गुड़ाई करा करके खेत को साफ़ रखें नहीं तो आपको भिंडी के अंदर प्रवेश करने में कठिनाई होगी और जो भी खाद उर्वरक आपने डाल रखे हैं उसका जो हमारी घासें हैं और खरपतवार हैं ये उसका उपयोग कर लेंगे तो आपके जो पौधों को जो है उसका सही जो अनुपात है नहीं मिल पाएगा तो आप निराई गुड़ाई करते रहेंगे और खरपतवारों से अपने खेत को मुक्त रखेंगे और इसमें जो विशेषकर ध्यान देना है कि आपको तुड़ाई का तो तुड़ाई भी आप किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि तुड़ाई भी आप बहुत समय पे करें भिंडी की जो फसल होती है किसान भाई उसमें क्या होता है कि बहुत से किसान मैं देखता हूँ कि चार से तीन दिन की भिंडी जो है उसी को तोड़ लेते हैं बहुत छोटी रहती है तो उससे क्या हो जाता है कि आपका मुलायम तो रहती है भिंडी लेकिन आपकी पैदावार काफ़ी कम मिल जाती है और उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है आपको बताना चाहूँगा कि पोषक तत्वों की मात्रा भी काफ़ी कम रहती है क्योंकि एक उचित समय पे ही सारे पोषक तत्वों का सही अनुपात उसमें होता है तो इसलिए किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन से भिंडी में फूल खिलता है उससे छः से सात दिन की जो भिंडी जब हो जाती है तो उस भिंडी में सारे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा सही संख्या में होती है तो उस समय की भिंडी अगर आप प्रवाई करेंगे तो आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी भिंडी की बढ़वार भी अच्छी रहेगी कुछ किसान भाई अगर कभी कभी भिंडी छूट जाती है तो आठ दस दिन से ज़्यादा हो जाती है तो दस दिन से ज़्यादा जब भिंडी हो जाती है तो उसमें रेसे की मात्रा बढ़ जाती है है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है कम हो जाएगी उसमें बाजार में उसको बिक्री करने में समस्या आती है क्योंकि उसमें रेसे की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपकी भिंडी मुलायम नहीं रहेगी तो ज़्यादा पुरानी भिंडी को नहीं रखना है और किसी कारण से अगर कहीं भिंडी खेत में छूट जाती है तो जब भी आप खेत में घूम रहे हों तो अगर पुरानी भिंडी आपको दिखती है तो उसको तोड़ लेना है उसको तोड़ करके आपको नष्ट कर देना है गड्ढा बना करके खेत के किनारे कहीं उसमें डाल देना है क्योंकि जो पुरानी भिंडी बची रहेगी सारे पोषक तत्वों का उपयोग करती रहेगी तो हमारे जो नई भिंडी है नए फूल हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ता है तो इन बातों को ध्यान रखना है तो आपका अच्छा मुनाफा मिल पाएगा इसके अलावा किसान भाई आज जब खेती कर रहे हैं तो तमाम समस्याओं का भी सामना आप कर रहे होंगे इसमें विशेषकर से किसान भाइयों को कीड़े की समस्या का सामना करना पड़ता है इसमें दो तीन कीड़े आपको बता दूँ किसान भाई क्योंकि क्यों, इसमें इस सीज़न में जो उत्तरी भारत है पूरा इसमें बीमारियाँ नहीं आती हैं क्योंकि तो जो सफ़ेद मक्खी है उसके जो हमारी जो भिंडी पीतरा मोजैक वाई बी एम बी जिसको किसान बोलते हैं इसमें भिंडी की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं सिराएँ पीली हो जाती हैं इस बीमारी का प्रकोप उत्तर भारत में नहीं रहता है इसका प्रकोप दक्षिण भारत के कुछ राज्य राज्यों में किसानों को झेलना पड़ता है तो लेकिन वो भी धीरे धीरे इस समय खत्म हो जाएगी तो जो उत्तर भारत के किसान हैं उनको मैं बताऊँगा कि जो समस्या ज़्यादा है जैसी लिफा पर जिसको किसान भाई फुदका बोलते हैं पत्ती के नीचे कभी आप देखेंगे तो एक हरे रंग का कीड़ा और छूने से चढ़ा भगता है और इस कीड़े के सफ़ेद सफ़ेद अंडे छोटे छोटे चीनी के दाने जैसे छोटे छोटे आपको पत्ती के नीचे दिखाई देंगे तो इसका मतलब ये कीड़ा आपके खेत में है तो इससे आपको निदान करना है तो इस कीट से निदान करने के लिए किसान भाइयों आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक एसीटामाई प्रीड करके दवा आती है उसकी तीन ग्राम तीन ग्राम मात्रा को दस लीटर पानी में घोल बना करके इसी दर से आप पूरे खेत में आठ से दस दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे और अगर इससे कंट्रोल नहीं हो पाता है इससे आपको लगता है कि अभी भी सही से कीड़ा नहीं गया है तो इमीडा कद्रोपीट जो दूसरी दवा होती है जो सॉलूसन के रूप में होती है लिक्विड होती है पानी जैसे होती है उसकी भी तीन से चार मिलीलीटर मात्रा को दस लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव कर दे देंगे तो इस कीट से आपका नुकसान बच जाएगा क्योंकि एक कीट क्या होगा कि अगर ज़्यादा संख्या में आ जाएगा तो आपको जब जब घुसते हैं किसान भाई तो कहते हैं कि मच्छर है खेत में तो ऐसा आपको फील होगा कि उड़ रहे हैं कीड़े मच्छर जैसा प्रतीक होता है तो यही कीट होता है जो पत्तियों का रस रसचुस्ट है पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं फिर उनका जो खाद्य पदार्थ है पौधे नहीं बना पाते हैं सही से पत्तियाँ से बनता है जब भोजन तो हमारे फलों की बढ़वार पौधे की बढ़वार सारी रुक जाती है इसके अलावा एक बहुत समस्या किसान भाइयों को देखने पड़ती है जब भिंडी की तुड़ाई कर रहे होते हैं तो फल में आपको कभी कभी दिखेगा फल टेढ़ा दिख रहा है कुछ है। कुछ पत्तों की से जो जो आपका शाखाएं हैं वो भी कभी मुरझाई हुई खेत में दिखाई देती हैं तो अगर उन शाखाओं को पास में से जाकर देखेंगे और देखेंगे तो उसमें कहीं छेद होगा उस छेद से मुरझाती है वो उसमें एक कीट आता है जिसमें तना और फल छेदक बोलते हैं उसका कीड़ा उसके अंदर है उसको उसके नीचे से तोड़ लेना है और इसी तरीके से जो फल हैं जब भी आप तुड़ाई करते हैं तो बहुत से टेढ़े फल या जैसे कि फल जिसमें आपको कीड़े दिखाई देते हैं उन तरह के फलों को भी आपको अलग कर लेना है और उन फलों को खेत के किनारे में गड्ढा बना करके उन गड्ढे में दबा देना है उधर खेत के बाहर नहीं फेंकना है क्योंकि फेंकेंगे तो कीट उसमें से निकल करके फिर से प्रजनन शुरू कर देगा और फिर से आपको समस्या आपको आती रहेगी इसलिए इसको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए गड्ढा बना करके उसमें डाल करके आपको मट्टी से ढक देना है जिससे पूरी तरह से कीट का नष्ट हो जाए और आपके खेत में पुनः न जा सके इसके उपाय के लिए बहुत किसान भाइयों को मैं समझाता रहता हूँ कि खेत के जो चारों तरफ है कभी कभी किसान भाइयों को ए, करीब डेढ़ महीने पहले जो मक्का होता है या बाजरा होता है इसकी अगर तीन से चार लाइनें पूरे खेत के चारों तरफ अगर आप लगा दें तो कीटों का प्रकोप आपके खेत में नहीं हो पाता बाहर से कीट आपके खेत में नहीं आ पाते हैं और इसी तरीके से एक फेरोमोन ट्रैप होता है जो हर फसल के लिए अलग होता है भिंडी का फेरोमोन ट्रैप होता है अलग होता है इसको आप बाज़ार में जाएंगे और बताएंगे कि भिंडी के लिए लगाना है इसको इर्बिट लेवर बोलते हैं इसकी क्या होती है किसान भाइयों की ये नर कीट को आकर्षित करता है और नर कीट को उसके अंदर आकर्षित करके नष्ट कर देता है उसके अंदर जो एक थैला जैसे प्लास्टिक का नीचे लटका रहेगा उसमें नर कीट जाके आकर्षित होकर के नष्ट हो जाएगा और ये फसल में आपकी जो बढ़वार हो रही है फसल थोड़ा ऊंचाई पर एक फीट की ऊंचाई पर लगाते हैं और एक हेक्टेयर खेत में करीब ढाई एकड़ जमीन में आपको 20 से 25 ट्रैप जो इस तरह के फ्रोमन ट्रैप होते हैं आपको लगाने होते हैं इससे आपको काफ़ी जैविक तरीके से आप कीड़ों का नष्ट कर देंगे दवाओं का प्रयोग कम करना पड़ेगा आपका मुनाफा होगा आपका खर्चा कम होगा और भिंडी की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी इसी तरीके से एक एलो एस्टिकी ट्रैप होता है जो पीला चिपचिपा गत्ता जिसको किसार भाई बोलते हैं ऐसा गत्ता प्लास्टिक की सीट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें अरंडी का तेल या ग्रीस लगा देते हैं बाज़ार में भी मिलता है तो आप जहाँ से सुविधा हो उस तरीके से करके अपने खेत में करीब ऐसे ही बीस पच्चीस ट्रैप इस तरह के लगा देंगे तो उसके भी, भी क्या होता है कि कीट चिपक जाते हैं उसमें जब कीट उड़ते हैं फसल के ऊपर से तो उस उसमें चिपक जाते हैं और अगर लगता है कि सत्तर से अस्सी प्रतिशत उसका भूभाग जो आपने लगाया है ट्रैप कीड़ों से चिपक गया है तो उसको हटा करके दूसरा ट्रैप लगा देंगे आप तो इन इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपका जो कीट है काफ़ी मात्रा में तरीके से आपको जैविक तरीके से उसको कर पाएंगे कंट्रोल कर पाएंगे और शुरू और जैसे अगर कीट नहीं है तब भी आप आठ से दस के दिन के अंतराल पे एक नीम का तेल होता है उसका तीन से चार मिलीटर मात्रा को इस्तेमाल आप करते रहेंगे और नीम का अर्क भी मिलता है किसान भाई उसका भी अगर पाँच प्रतिशत घोल बना करके आप खेत में दस पंद्रह दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे तो आपकी फसल में कीटों का प्रयोग काफ़ी कम हो जाएगा और आपको रासायनिक दवाओं पर निर्भरता कम हो जाएगी और आपके फलों की जो गुणवत्ता है उसकी होती बढ़ जाएगी इसी तरीके से किसान भाइयों को मैं बताऊँगा कि एक और कीट आएगा इस समय जैसे गर्मी बढ़ेगी तो रेड स्पाइडर माइट होता है आप खेत में जब घूमेंगे तो पत्तियों के नीचे आपको जाला दिखाई देगा उस जाले में आप किसान भाई देखेंगे कि नीचे जाला है और पत्ती के पौधों की बढ़वार कम हो गई है क्योंकि पत्ता के नीचे लाल रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं उस जाले में और पत्ते का सारा रस चूस लेते हैं पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी पौधा सूख जाएगा और उसे फल देना बंद कर देगा अगर आपको दिखाई देता है कहीं भी उस पौधे को उखाड़ करके आप ज़मीन में गाड़ के नष्ट कर देंगे और पूरे खेत में आप क्या करेंगे कि एक डाइकोफाल नामक दवा होती है उसकी दो मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप एक छिड़काव कर देंगे अगर उससे निदान नहीं मिल पाता है तो आठ दस दिन के अंतराल पर फिर से एक ओबरान दवा होती है जिसको स्पाइरोफेन बोलते हैं इसकी भी चार से पाँच मिलीलीटर मात्रा को दस लीटर पानी में करीब घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो इसकी तरह के कीटों से आपको रोकथाम हो जाएगी इसके अलावा किसान भाइयों आप फसल की जो मैं कहूँगा कि नियमित समय पर आप पुराई करते रहेंगे और जो अगर आपने लगता है कि फसल की बढ़वार नहीं हो रही है तो उसमें जो हल्का सा आप करीब एक प्रतिशत यूरिया का घोल जैसे बोलते हैं एक प्रतिशत यूरिया के लिए आपको दस ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीच बीच में आप छकाव करते रहेंगे तो आपको पौधों की बढ़बार अच्छी होती रहेगी क्योंकि पुरस्तों की पर्याप्त मात्रा में उनको मिलता रहेगा और आपके फलों की बढ़वार होती रहेगी और मेरे ख्याल से अभी तक ज़्यादातर किसान भाइयों ने जो भी उर्वरकों की मात्रा है ज़्यादातर दे चुका हो और अगर अभी लगता है कि अभी से कोई उर्वरक की मात्रा बाकी है तो यूरिया की मात्रा का भी कभी एक डोज जो सत्तर से के दिन के आसपास देते हैं तो अगर बाकी है तो उसको आप खेत में अच्छे से गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल करके और पानी दे करके जब हल्का सा नमी रहे उसी समय शाम के समय आप उसको छिड़काव कर देंगे तो आपको पौधे प्राप्त तरीके से उसको प्राप्त कर लेंगे तो इन बातों का आप ध्यान रखें किसान भाई और बाज़ार में बिक्री के लिए आप फसल को सुबह जल्दी से तोड़े और शाम को जल्दी या तो जब छाया हो जाए उस समय तोड़े और फलों को छाया में रखें क्योंकि धूप ना लगे धूप लगने से उनकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी सिकुड़ जाएंगे और नरम हो जाएंगे तो फलों को अगर सही से नरम नहीं होना है टाइट रखना है उनका गुणवत्ता बनाए रखना है तो गनी बैग होता है जो बोरा होता है गीला रहता है उसके अंदर आप रखेंगे छाए में रखेंगे सुबह शाम में जल्दी से तुड़ाई करके उसको बाज़ार में बिक्री कर देंगे अगर हो सके किसान भाई तो एक तरह के फलों को एक आकार के एक रंग के एक लंबाई के फलों को जिनकी गुणवत्ता आप समझते हैं बहुत अच्छी लग देखने में है उनको वर्गीकृत करके आधा किलो एक किलो इस तरीके के अगर आप वर्गीकृत करके से बिक्री करेंगे तो बिक्री नहीं आपको बिक्री करने में ही समस्या का समाधान हो जाएगा कि आपको बिक्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आसानी से बिक जाएगा क्योंकि आजकल का जो उपभोक्ता है एक किलो आधा किलो इस तरह का भिंडी लेना पसंद करता है और एक जैसा भिंडी अगर आप रहेगा तो उसको छाटने में टाइम नहीं लगेगा उसको आसानी से वो देख करके पूरा पैकेट ही आपका ख़रीद लेगा तो इन बातों को आप अपने इस तरह से विपणन में लाएंगे तो आपकी जो मुनाफा है कई गुना आप ज़्यादा मिल सक, कमा सकते हैं आप क्योंकि तो जो उपभोक्ता है उसको लगता है कि आपका जो भिंडी है एक रंग हमें छाटना नहीं है हमें समय व्यर्थ ब्या, नहीं करना इसमें उसके पास टाइम नहीं है तो ऐसे फलों की तरफ वो जाता है जिसके पास उसको आसानी से और क्योंकि कम समय में ही ज़्यादा फल आप दे पाएंगे उसको तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो भिंडी का जो उत्पादन है अभी समय है अच्छा है आप पानी देते रहिए उत्पादन लेते रहिए और अपने भलों का वर्गीकरण करके बाजार में समय पर भी उसको जैसे मैंने बताया है उस तरीके से बिक्री करते रहिए तो आप देखिए आपका मुनाफा कितना गुना बढ़ जाएगा और आपको कितना लाभ हो जाएगा